विधानसभा में हम इस वक्त हैं। ये लोधीपुर गांव है और कुर्था में अब जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है, चूंकि यादव समुदाय से, जो यादवों की बहुल संख्या इस क्षेत्र में है, और यादव समाज से एकमात्र नेता राजेंद्र यादव जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कल ही यादव समाज के लोग कुर्था में मीटिंग किए थे, जिसमें हजारों लोग की उपस्थिति थी और तमाम समाज के लोग 4 घंटा मंथन के बाद, बैठक के बाद मुझे समर्थन दिया है। इससे हमारे हौसला काफ़ी बढ़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अकेला यादव बिरादरी में लगभग 64,000 वोट है, जिसमें लगभग 35 से 40,000 तक पोलिंग करने की क्षमता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वोट का, और प्लस हमें सामाजिक न्याय का वोट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और सभी सामान्य वर्ग के लोगों का भी समर्थन हमें प्राप्त है। मुझे निश्चित भरोसा है कि अगला 20 जो क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो स्थिति देख रहे हैं, ये नाली देखिए, आप भी घूम रहे हैं और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्यों नहीं किया गया है अभी तक? नेता सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ आते हैं और वोट मांगते हैं। राजेंद्र जी, आप क्या इन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? रूलर एरिया है, अरवन का भी स्थिति देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, हमारा यह प्रयास होगा कि जिस तरह से गांव, शहर जिस तरह से चमकता है, शहर में विकास दिखता है, उस तरह का विकास गांव में दिखे। कि जनता क्षेत्रियों को पसंद कर रही है, यहाँ कोई पार्टी की जगह नहीं है, यहाँ उम्मीदवार चयन कर रहे हैं, वो भी क्षेत्रीय उम्मीदवार। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह इनका स्पष्ट रूप से मानना है कि कुर्था की जनता इस बार क्षेत्रीय उम्मीदवार को चयन कर रही है, यहाँ पार्टी नहीं चलेगा, जो स्थानीय नेता है और जो विकास के लिए जाना जाएगा उसे ही यहाँ की जनता चुनेगी।